झारखंड राज्य में करम बहुत धूमधाम से मनाए ना। करम डायर के गाछ से काट के लाना ना और बहुत श्रद्धा कर संगे तो देखू करम गड़ाई जाहे। करम डायर कर चैरो आरा बैठक लाई गए तो मैं छोट बड़ से कहूँ कि जे भी छूटल मन है उमन के हाँक दे दो शुरू करी ला। तो सबसे पहले रौरे मन पानी दूध चाउर और फूल के दोना दोना अलगे राख दे। करम राजा के रौरे पानी से नहुआ उकर पाछे लुगा पिंधो अर्पण सिंदूर देव और चाउर छीट के भेंट दे दो। हमें गौर गणेश कर पूजा करी ला। गौर गणेश के करम राजा कर भीरे राखू उके स्नान करवो अर्पण सिंदूर देव और फूल अक्षत दे के भेंट दे दो। पूजा पाठ ढंग से नहीं करेल तो कर का गति होएल उके जाने के लिए हमें मन कर्मा और धर्मा कर कहनी एखन सुना। तो रौरे मन फूल अच्छा धैर ले और करम राजा कर ध्यान करू। कर्मा और धर्मा दू भाई रहें दुयो बड़ा बेस कमात रहे घरे और बेस तरी से जिंदगी बितात रहे। मुदा एक दिन कर्मा परदेश मलंग लादे चल जाए ना बाहरे बगरा कमाई के आमू ई सोच के और परदेश जाए के खूब मेहनत करे ना धन रुपया ढेरे कमाए ना। और हमें जानी ला कि परदेश जितना भी जाए ना उमन करम दिन कर ले विशेष रूप से झारखंडी भाई बहन मन घूर के चाहे ना क्योंकि काले करम हमर सदान और आदिवासी जे हियाँ रही ला उमन कर सबसे बड़का पर्व है के ये दिन सब माई छुआ एक ठिन रह के हंसी खुशी से रिज रंग से करम पूजा करे के चाहे ना और संगे संगे बिताए के चाहे ना। कर्मा भी करम दिन घूरलक लेकिन घूरेक में तनिक देरी हो गेलक ठीक साँझ बेरा घूरलक। उ बेरा उकर अंगना में धर्मा पूरा विधि विधान से पूजा पाठ करेक में व्यस्त रहे। सेहे घरी उ घर पहुँचेला तो देखेला सब पूजा पाठ में व्यस्त हैं के उकर बटे ध्यान नहीं देते हैं। उ सोचे के लागेल कि वो इतना राइज के लो कमाई का जाए के आलो रुपया पैसा ले के आलो लेकिन मोर बटे के ध्यान नहीं देते हैं। मने मने सोच सोच के वो खिसाप है और हिने करम पूजा करेक वाला पूजा करेक में लीना है श्रद्धा और उमंग से उमन पूजा करेक लग है। उमनक ध्यान कर्मा बटे नहीं गेलक। ढेर देरी देखल कर बाद कर्मा हिसाई गेल और अंगना में गाड़ल करम के उखराई के गंदूर गढ़ा में फेंक दिल। करम राजा इकर व्यवहार से बहुत नाराज होल और
उ सात समुद्र पार चल गए संगे संगे कर्म के कर्मा कर कर्म के उ बिगड़ाए रखल से दिन से उकर कर्म किस्मत फूट गल और दिनों दिन तंगी में जिये लागल भूती बनी कोनो ना भेटाए खाए पिए कोनो ना भेटाए गरीब लाचार कर जिंदगी जिये लागल सोच सोच के कर्मा परेशान हो जाते कि काल मोर ऐसा होते दुर्गति वो जाने नहीं पा रहे थे। तो एक दिन भूलते भूलते एगो साधु वो गाँव आल सब अपन कर्म किस्मत दुख विपरीत के साधु से जाने के लागल तो कर्मा कर भी मन करलक कि मैं भी काले नहीं पूछूं तो हो पूछे लागल कि रौरे एक दिनक दिन में कर्म देव कर बेइज्जत कई रही उकर इज्जत सत्कार नहीं कई रही उकर मान मर्याद नहीं कई रही सेले रोर कर्म किस्मत बिगड़ जाए अगर रौरे कर्म राजा कर बढ़िया से जे तेर पूजा करे ना से तेर रोरे पूजा करब तो रोर कर्म किस्मत बन जाए यह कह के आदमी जे भगवान कर भेष में आए रहा वो अंतर्ध्यान हो जाए ना तो फूल अच्छा छीट के ये बात सुन के कर्मा अपन जे कर रहे से बात यही धोलक उनके पछतावा होलक तब वो पूछलें बहुत विनम्र हो के कि साधु बाबा कि हम का करब हल हमर दिन बहुरी तब साधु उनके कहलें कि रौरे जो और करम राजा के मनाई के लानू और श्रद्धा और भक्ति से रौरे पूजा करूँ तब रौर करम किस्मत बनी रौर हाथ कर रेखा सुख भोगे कर देखाइला मुदा तो पार्वती मन फूल अच्छा छीट के करम राजा के भेंट कर दे। अब कर्मा करम राजा कर खोजार में निकलत हैं जाते जाते दिन रात उचलत हैं चलते चलते भूखे प्यासे जंगल झाड़ सब से होते वो जात है कोनो ठिनू के खाई पिए भेटात है कोनो ठिंडी भेटात है वो चल जात है जाते 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 अब उके जे खर्चा धैर रहे वो सिराई जाएला तब एगो गोवाला जे गोट बैठाए रहे बथान बैठाए रहे सेठिन पहुँचेला तो उके लागेल कि आए एखन अब तो मुके भूखे हाँ अब मुके दूध मिली इकठिन मांगू हल खाए के लिए पिए के लिए कोनो मिली ईसन सोच के जाएला अब उ गोवालिन से वो मांगेल कि कोनो है तो मुके देव तो गोवालिन का दे सकेल दूध दे सकेल लेकिन उकर गाय दूध देख बंद कर दे है हाँ तो ओहो हाथ जोड़ के कहल हे कर्मा मोर से माफ हो मोए तोर से माफी मांगत हो मोए तोर सेवा करे के नहीं पारत हो मोर गाय दूध देख बंद कर जाए तो से तुय इतना भूखे पिया से कहाँ जाती से तनिक बताओ तब कर्मा कहल से मोर कर्म किस्मत बिगड़ जाए से ले मोए कर्म देवता के मनाइक जात हो तो अच्छा ठीक है मोरो गाय काले दूध देख बंद कर दे है से तनिक उको भी पूछ के आवब कही के वो कहे ना और आगे मने जाए सोचे ना तो फूल अच्छा छीट दे दूध लाइन ही तो दूध के भी तनिक दे जाते जाते डाढ़े सुते टिकरे बिहान हो जाए टिकरे सुते डाढ़े बिहान हो अब दहर में एगो आदमी काटा बोहल देखलें उके देख के बड़ा सताव उनके लागलक उके गुहार करे लागलें कि हे
आदमी तनिक किनारे होबू मोके जाए है। तो उ कहे लागल मैं कैसे हूँ मैं हिने हुने होखे नहीं पारत हो। तब कर्मा केहू कहल कि रौरे कहाँ जे जाती इतना भूखे पियासे। मैं करम राजा के मनाई जात हो ई कह के ऊ कहल। तब जे आदमी काटा भार लदाल रहे से कहल कि ठीक है जा थी तो मोरो दुख के बताए के आवब। ई कह के ऊ कहल। वहाँ से फिर कर्मा आगे बढ़े के लागल जाते 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 प्यास तो बड़े जोर लग रहे। कुआं ठीन पहुँचल तो देखत है कुआं में पिलुआ भरल है। एगो पनिहारिन देखल तो उकर मूड में भिरनी बुदा उगल रहे। तो भिरनी बुदा उगल रहे तो उकर से अब पानी पीखो ले उके बेसनी लागल। तो उठिन भी कर्मा के जे पनिहारिन रहे से कहल कि रोरे कहाँ जाती भाई इतना भूखे पियासे। तो कहल कि मैं करम राजा के मनाई जात हो। अब कर्मा ठीन से आगे जाए ना। अब जाते 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 एगो आंबा गाछ ठीन पहुँचे। तो आंबा गाछ के देखे ना कि फोर के ऊ लदफद है पाकल है। तो उनके विनती कहें करें ना और कहें कि ये आंबा ये गाछ से रोड फल के मौके दे भूखे पिया से हाँ। तो जे आंबा के अच्छा रोड़े खो जेके पोती लागे। तो जेके देखे ना शेकर में पीलुआ लागल। तो पूछें कि ये गाछ से तो रोड सब फॉर्म में पीलुआ लग जा है तो मैं का लेके खाऊं। तब वो गाछ कहें तो रोरे इतना भूखे पिया से कहाँ जाती वही परम राजा जात हो उनके मनाई जात हो से। तो ठीक है रोरे जाती तो मोरो दुख तकलीफ के बताब और पूछ के आओ खा ले सब फॉर्म में पीटू लग जा है कह के कहे ना। तो रोटी मन लाइन ही तो चाहे कोनो फल मन तो उसे चढ़ाई दे। पूछा फूल अच्छा धर ली कि नहीं तो धर ली। ठीक है अब करम राजा के मनाए के लिए कर्मा उठिन से आगे जात हैं। जाते जाते सांझ हो गेलक। तो एगो घर में ढेकी कूटे कर आवाज सुनाई देलक साड़ा सुनाई देलक। उके लागलक कि घर में तो धान चाउर होगी और खाई पिए देब। यह सोच के वह घर में ढुक दिल। तो हुआ देखा था कि चिरकुटी चिवरा कुटे के लाइग है। और जब चिवरा कुटत है तब वो कहल कि भाई मैं इतना दिन से भूखे प्यासे हाँ से तिनको कोनो होगी मुठा मुठी हल देव। तो चिरकुटीन मन कहल कि का के देव हमें जितना कुटत थी से बूढ़ा हो जाते से रोरे इतना भूखे पिया से कहाँ जाती। तब कर्मा कहल कि मैं करम राजा के मनाई जात हो मोर करम किस्मत बिगड़ जाए। अच्छा जाती हल मोरो हमरो जो विपरीत है उके बताए के आवब सुनाई के आवब। काले हमर चिवरा कूटत ही से गुड़ा हो जात है चिवरा ठीक से नहीं बनत है बाजार में दाम नहीं मिलत है ये बात कह के कहल। तब हुआ से निराश हो के और कर्मा चले के लागल। चलते चलते समुद्र किनारे पहुँच गए।
दूर से तो करम राजा के देखत है कि वो सात समुद्र पार एगो रेप्टा में ठंगाल है, रेप्टाई जा है। अब हुआ लांघो तो कैसे लांघो सोचत है, तो देखल एगो मगर मछरी समुद्र कर किनारे उंडल है। तब ऊपर से विनती कर लें कर्मा कि हे भाई चलो नी मोके करम ठीन पहुँचा दे। तब वह मगर मछरी माने तैयार होल, लेकिन एक गो शर्त में मोर गतर नी डूबेला पानी में, से का कारण है इके पूछ के रूरे बता भल है मोय लेगमू कह के कहल। तब चलो पूर्ण काम है के रूरे करम राजा के मनाई जाती, तो मोर दुख तकलीफ के अगर बता पूछ के आओ अब तो रूरे के मोय पार करमू ईसन कहे ना, तो ई वचन कर के वो करम राजा के मनाई के ले जाए ना। तब जात है समुद्र में तो करम राजा खिसा है, वो दूरे से भागते जात हैं, जैसे जैसे कर्मा जात हैं वैसे वैसे वो दूर भागत हैं करम देवता। तो बहुत अर्जी विनती करल कर बाद वो मान लें और उके मनाई के से मोर से जान चाहे अनजान में गलती हो जाई होवी मुके माफ करो, मोय रोर के अब पूरा निष्ठा और भक्ति कर संगे पूजा पाठ करमू, से मुके क्षमा करू मुके क्षमा करू कहे के लागल, गोड़ विनती करे के लागल। तब जाए के करम राजा तैयार होल, करम कर गोहाइर के सुनल और ठहराल, और उकर बाद करम राजा के ले के कर्मा घूरे के लागल हैं। तो जितना भी पार्वती मन फूल अच्छा धई रही उके करम राजा के छीट देव और भेज दे। अब करम राजा के राजी करल कर बाद वो घूरे के लागत हैं करम के ले के। अब समुद्र कर किनारे पहुँचल तो मगर मछली पूछत हैं कि भाई मोर तकलीफ के पूछे के रहो का बता लें करम। तब कर्मा कहें कि रौरे एक दिनक दिन में एगो सुंदर नारी के खाई जाए रही जेकर गहना गुरिया नूर नरटी में हटकल है, अगर उके उलैक देव और केखो दान कर देव हल रोर गतर पानी में डूबी पहले जैसन रौरे पानी में रहे पारब ईसन कहल। तब मगर मछरी वह गहना गुरिया जे उकर घेचा में हटकल रहे से के उलैक दिल, तब उ गहना गुरिया के ले के कर्मा घर घूरे के लागलक। तो ई लेखे जैसे है करम राजा के उमन मना कर्मा मनाल उके उकर गुस्सा के खत्म कर लें, उकर कर्म फाटल रहे से संवर गेलक बन गेलक और यह ठीन से उकर बरकत भी शुरू हो लागलक। अब घूरते घूरते चिरकुटिन ठीन आल, चिरकुटिन भी पूछल कि मोर का कारण है मोर विपत कर पूछे के लागल। तो कर्मा उनके बताल कि रौरे कर जे काड़ी है चिवरा कुटिल से कर काड़ी उकर नीचे पैसा से भरल रुपया से भरल गागरा है कलसा है, जेकर ताप से रौर चिवरा बिगड़ जाते है और दोसर रौरे चिवरा बेचे के जेला और पैला में माटी के छाइब के छोट कर दिला कचिया बगरा ले लेकिन कम चिवरा दे से ले रौर करम किस्मत बिगड़ जाए। तो इके रौरे दूर करू जे कलसा है उके कोड़ के निकलाई के कोई बेस आदमी के दान कर देव
और कोयला कर जे छावल माटी है उके निकलाई देव, ईसन कहलै। तब इतना है सुनते चिरकुटिन तुरंत अपन कोयला कर जे छावल रहे से के छोड़ाई देलै और कालसा के कोड़ के निकलालै और कहलै कि ये बाबू कर्मा से रूढ़े के ले जो रूढ़ से भला आदमी मौके क्यों नहीं दिशत है। ई कह के रुपया से भरल कालसा के भी कर्मा के दे दिलें और जे अपने गलती करत रहें ठकत रहें आदमी के पहला में माटी छाइब रहें उखो भी छोड़ाई दिलें। उकर बाद चिरकुटिन कर चिवरा भी बने के लागलक और बाजार में उकर दाम भी मिले के लागलक और सुख से रहे के लागलक। अब कर्मा घूरत हैं सोना चांदी तो मिलिए गलक पैसा भी मिल गलक। अब बगीचा पहुँचलें बगीचा में तनिक सुस्ता लें तब आंबा गाछ कहे पूछे ला कि मोर का बता लें कह के पूछे हाँ। तो आंबा गाछ कहे कि एक दिन एकदम थाकल एगो आदमी रहे देखे तो छाई नहीं देले और भूखे रहे से के खाई नहीं देले से ले वो भाई के से ले तोर घर में पिलुआ हो ये कहल हाँ। अगर तो है तोर घर के थाकल मांगल आदमी के देबे और छाई देबे फल तोर साफ नी लागी छूट गई कहल हाँ हाँ। तो फूल अच्छा छीट दे। तब आंबा गाछ उके फर फूल देलें तो पार्वती मन जितना भी लर फर मन लाइन ही उके करम राजा के सौंप देव। अब फूल अच्छा धरू और करम राजा कर ध्यान करू। अब कर्मा घूरत हैं घूरते 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 वो आदमी जे काटा के बोई रहें शेखर ठीन पहुँचलें तो वो काटा भार वाला आदमी पूछलें कि भाई मोर का लेसन है। तब कर्मा बतालें कि रौरे दोसर कर डहर में काटा गाड़े जैला दोसर से ईर्ष्या करीला से ले रौर ई गति है कह के बतालें। तो रौरे ई काम के छोड़ देव रौर भार उतर जाई कह के कहलें। तो अपन गलती के मान लें स्वीकार कर लें और वह ठीन उकर भार उतरेला। तो हमें बन के जाने के चाहिए कि हमें के दोसर कर काटा नहीं बने के चाहिए दोसर कर डहर में टांग नहीं अड़ाई के चाहिए दोसर कर काटा नहीं बने के चाहिए। अब घूरते घूरते वो पन भरिन ठीन भी पहुँच रहे तो पन भरिन ठीन पहुँच रहे तो पन भरिन जब कर्मा के पूछल कि भाई मोर का बताल कह के पूछल हाँ। तब कर्मा कहल कि तोय छोट बड़ देवर भौसुर साई ससुर मन कर इज्जत नहीं करिसला उके देख के मुड़ नहीं ढापिसला से ले रोर मुड़ में भिरनी बुदा उई घे कह के बताल हाँ। तो भिरनी बुदा काले उगला शादी बिहार हो जाने हल ससुर भैंसुर के देख के का करवा हाँ तो नहीं ढाप बा तो वही तिर पनिहारिन कर मुड़े जे तिर भिरनी बुदा उग रहे नी से है तिरुगी से ले उसन करे नखे का करे खे मुड़ ढापे खे। अब कर्मा उठिन से घूरते घूरते गोठ पहुँचेला और गोठ ठीन पहुँच के ग्वालिन से भेंट करेना। तब ग्वालिन उके कहेना कि भाई मोर का बता लें हाँ गाय के मुरुक मायर रही कहला हाँ गाय पिए के नहीं देली और मुरुक मायर रही से ले गाय खिसाई गेलें अब गाय के बढ़िया आदमी के दाम कर देव। तो रोर बाकी जे गाया हैं उमर रौर बढ़िया से दूध रौरे के देवे के लागबें। तो ई बात सुन के ग्वालिन
कर्मा के गाय भी दे दिलें। अब गाय ले लें उकर बाद उनके फर फूर भी मिललक, उनके रुपया पैसा भी मिललक, उनके गहना गुड़िया भी मिललक। अब सब सरजमा उनके हो गलक, उ सब सरजमा ले के अब सब के ले के और करम राजा के ले के आइजे कर दिन भादो कर एकादशी में अपन अंगना में पहुँचलें और बड़ा धूमधाम से करम राजा कर पूजा कर लें और उसकर बाद उसकर तीन दुनी रात चौगुनी करम किस्मत बन जाएला और सुख से रहेला बाकी जिंदगी उस सुख से बिताएला। तो ये रहे कर्मा और धर्मा कर है। तो फूल अच्छा धरो और बढ़िया से भेंट करो और धूप धुआं जलो पाली पार्वती आपन करम भाई के धारा पाली पार्वती आपन करम भाई के धारा पाली पार्वती आपन करम भाई के धारा दूर दूर लेके बैठो।